मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जो आज हम आ रखे हैं, आज हम त्रिजुगी नारायण में आ रखे हैं। तो मैं आप लोगों को त्रिजुगी नारायण मंदिर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत गांव है ये त्रिजुगी नारायण। आप देख सकते हो सुंदर खूबसूरत वादियों के बीच में हरे भरे जंगल सब कुछ दिख रहा है हमें इधर उधर, अच्छे खेत, हरे भरे खेत। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, हम त्रिजुगी नारायण की तरफ जा रहे हैं। और हमारे साथ में है तो ये भाई हैं, सागर भैया। हाय भैया, कैसे हो आप? बढ़िया है। और हम अभी जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण, राहुल भी हमारे साथ है। तो आप वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये है त्रिजुगी नारायण वाला गेट, यहाँ से हम अंदर जाएंगे अभी मंदिर की तरफ। और हमारे साथ में सागर भाई हो गया और राहुल भाई हो गया, आनंद भैया हो गया, तीन चार भाई लोग जा रहे हैं हम। तो ये है, आप लोगों को एक बार फिर से बता लेता हूँ, ये त्रिजुगी नारायण का गेट है और यहाँ से हम मंदिर की तरफ अंदर जा रहे हैं अभी। गेट के बाहर ऐसी दुकान है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है त्रिजुगी नारायण वाला मंदिर। तो यहाँ पे मिस्टर राहुल इस मंदिर के बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे। तो राहुल आप क्या बोलेंगे इस मंदिर के बारे में? ये मंदिर का लोकेशन है और ये हमारे साथ के हैं। तो सागर भैया, यहाँ पे मंदिर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें, कुछ जानकारी दे सकते हैं आप, बताइए प्लीज। यहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हुई थी जी भैया, तीन युगों से यहाँ पे जो है जो अग्नि जलती है, अभी जलती रहती है, उसकी जो राख होती है सबसे मतलब प्राचीन चीज है, राख अपने साथ में रखने से बहुत कुछ होता है। यस यस। तो ये मंदिर यहाँ पे टीका लगाना है। ये मंदिर यहाँ पे कितने पहले से है भैया? उतना तो जानकारी मेरे को, मैं पर तीन युगों से बोलते लोग, तीन युगों से जी जी, तीन युगों से ये मंदिर बना हुआ है पार्वती साथ। और जो ये धुनी जो राख जल रही है जो अंदर, तो वो तीन युगों से अभी तक चलती आ रही है। जी 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 भैया जी। हाँ, उसके राख ही सबसे। दोस्तों ये जो केदारनाथ मंदिर है उससे पहले आता है, सोनप्रयाग से ये रास्ता जाता है ऊपर त्रिजुगी नारायण के लिए। और ये गांव के बीच में है ये मंदिर, यहाँ पे त्रिजुगी नारायण वाले लोग रहते हैं। त्रिजुगी नारायण यही गांव का नाम है, क्योंकि इस मंदिर की वजह से इस गांव का नाम भी त्रिजुगी नारायण पड़ा हुआ है। तो देख सकते हो आप, बीच गाँव में ये मंदिर है त्रिजुगी नारायण के बीच गाँव में। तो दोस्तों बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी यहाँ पर आके, क्योंकि ऐसे चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं यहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हुई थी। तो बहुत अभी खुशी फील हो रही है हमें यहाँ पे आके, क्योंकि ऐसे सौभाग्य हर किसी को नहीं होते नसीब दोस्तों, देख सकते हो आप। और अभी यहाँ पे इन भाइयों ने जो ये मंदिर का भाग है, तो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो अंदर के लिए। और पीछे भी एक तालाब है, देख लो आप एकदम से। और ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है दोस्तों, देख सकते हो आप। पूरे गांव के बीच में है ये मंदिर, ये ऊपर गांव है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी यहाँ पे आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। पंडित जी है और ये भगवती लेके आ गए यहाँ पे। जो ये भभूति है एकदम बिल्कुल से गर्म है अभी, जो धुनी जल रही है उससे निकाली हुई है अभी भभूति, देख सकते हो पंडित जी लेके आए अभी यहाँ पे। फाइनली दोस्तों हम दर्शन करके वापस आ गए हैं अभी। तो राहुल अभी बहुत खुश है हमारे साथ, मिस्टर राहुल। तो हमारी गाड़ी भी सामने पर खड़ी है और हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ से मंदिर की तरफ जाएंगे। तो एक बार मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, देख लो आप, ये त्रिजुगी नारायण जो मंदिर है एक सुंदर एकदम अच्छी वादियों के बीच में। और ये फ्रंट गेट है जहाँ से हम आगे निकले थे, अब हम गाड़ी से निकल जाएंगे
अभी भैरवनाथ मंदिर भी जाना है हमने। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें आखिरी तक। तो फाइनली हम वापस जा चुके हैं त्रिजुनारायण से, और अभी यहाँ पे भैरवनाथ मंदिर का जो गेट है वहाँ वहाँ से जाएंगे। नीचे ये भैरवनाथ का मंदिर है, तो ये नीचे भैरवनाथ है और वहाँ का मंदिर है। तो दोस्तों और ये त्रिजुनारायण मार्केट है दोस्तों, और ये ऊपर गांव है त्रिजुनारायण वाला। देख सकते हो कितने अच्छे व्यू है यहाँ का, और यहाँ के लोग कितने अच्छे तरीके से रहते होंगे। एकदम शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और हरी भरी घास के बीच में, झाड़ियों के बीच में अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ, देख सकते हो आप। तो दोस्तों जो आज की ट्रिप रही वो बहुत ही ब्यूटीफुल रही, क्योंकि जो मिस्टर राहुल है वो उनके साथ आया था मैं आज यहाँ। तो देख सकते हो अभी हम मार्केट में हैं, और यहाँ से अभी वापस टर्निंग जाएंगे हम घर के लिए।